अन्न दान की हमारे गृहस्थ में सबसे बड़ी महिमा अन्न दान की है। हर दान के बिना जीवन संभव है, हर दान के बिना जीवन संभव है, पर अन्न दान के बिना जीवन संभव। अन्न दान और जल दान, इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि आप भी अपने पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम से एक दिन का अन्न क्षेत्र जरूर बंटवाइए, और ये अन्न दान पूर्वजों के नाम से, ताकि उन्हें पूरा पुण्य मिले और वो भगवत धाम किसी कारणवश नहीं गए। अभी देखिए पितृ पक्ष चल रहा है, इमरती खीर पूड़ी सब्जी रोज प्रसाद में चल रहा है, ये सब रोज नित्य। जब तक श्राद्ध पक्ष रहेगा, इस श्राद्ध पक्ष में इमरती दान का भी बड़ा महत्व है, पता है आपको? इमरती, इमरती नहीं जानते? सवेरे बढ़ती है आके खाना, जलेबी से भी कई गुना सुंदर होती है, स्वादिष्ट होती है। खाते हैं आप लोग इमरती? यहां रोज संतों को बट रही है। श्राद्ध पक्ष में इमरती की बड़ी, मीठे में इमरती, खीर और इमरती, खीर और इमरती की बड़ी महिमा। खीर गई तो भोग लगता, खीर पूरी इमरती। इमरती सब जगह प्रचलन में नहीं है, पर खीर सब जगह है। यहां इमरती का बहुत महत्व है। ब्राह्मण भोजन में इमरती होती है, और संत लोगों को रोज, यहां हजारों संतों को ये जो इमरती है जलेबी जैसी, जलेबी से भी अच्छी होती है, इसे इमरती कहते हैं, है ना? तो आप लोगों ने सवेरे अन्य क्षेत्र में दर्शन किया होगा इमरती। तो इस पितृ पक्ष में सभी, आप जब अपनी ओर से पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों का कराते हैं, तो उनके लिए इमरती खीर पूड़ी सब्जी रोटी सब प्रसाद तैयार होता है, और आपके पितर ये खीर आपके द्वारा, संत जब खाते हैं संत तृप्त होते हैं, पितर तृप्त हो जाते हैं। इसलिए अन्न दान युधिष्ठिर जी ने किया, हमें भी करना चाहिए। अन्न दान जैसा कोई दान ना था ना है ना होगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर से हमें ये सीखना चाहिए। भगवान ने उनके यहां जाकर खूब सेवा की, ब्राह्मणों की शाल्व का उद्धार किया और दंत वक्र का उद्धार किया। भगवान के परम भक्त थे सुदामा जी। भगवान जो संबंध बनाते हैं ना मेरी माँ, उस संबंध को निभाते भी हैं। भगवान के एक परम मित्र का नाम था सुदामा। सुदामा का तात्पर्य क्या है? सुंदर दाम है जिसके पास, उन्हें कहते हैं सुदामा। सुंदर धन क्या है बताइए? धन किसे कहते हैं आप बताइए? धन किसे कहते हैं? नहीं पता? धन ही नहीं पता? लो मैया बोलो मेरी माँ, मैया आप बताओ। पैसे को आप बताओ, धन किसे कहते हैं? दादाजी आप बताइए, धन किसे कहते हैं? आप बताओ भैया, बता दो धन किसे कहते हैं? पीछे वाले भक्त बोलेंगे धन किसे कहते हैं? एक धन बाप देता है और एक धन गुरु देता है। एक धन बाप देता है, एक धन सास देती है, एक धन गुरु देता है। बाप का दिया धन यहीं रहेगा, पर गुरु का दिया धन, जो भगवान का नाम देता है गुरु, वो संग जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बाप का दिया धन छूट जाएगा, पर गुरु का दिया धन कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए बाप के धन से गुरु का धन करोड़ों गुना श्रेष्ठ होता। बोलो हाँ या ना? आप लोगों ने जो सोने की लौंग पहनी है ना मैया, ओ मैया आपने ये नाक में जो पहन रखा सोने की है, बोलो हाँ कि ना? मैया आपने सोने की पहनी है? ये जो सोने की लौंग आपने पहनी है ना मेरी माँ, ये आपकी उतर जाएगी एक घंटे के अंदर, प्राण निकलते ही। हाँ या ना?
सोना चांदी अंगूठी इत्यादि जो पहने हो मरते ही सब उतर जाएगा। यदि संसार का कोई भी धन आपने ग्रहण किया है सब उतर जाएगा, पर जो गुरु जी ने मंत्र दिया है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मीरा जी कहती हैं मेरे गुरु जी ने मुझे अनमोल वस्तु दी, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु का दिया धन संग जाएगा, इसलिए धन हमारा भगवान है। हमारे धन तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो कन्हैया ही मेरा धन है, मेरे तो श्रीमन नारायण ही मेरा। मेरा धन क्या, आपका धन क्या? इसलिए आज से सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद को धन नहीं मानिएगा, ये व्यवस्था है केवल संसार की। धन तो हमारे कृष्ण है, धन तो हमारे राम है। बोलो हाँ या ना। तो आज से भगवान हमारे कौन? श्रीमन नारायण हमारे कौन? जोर से बोलो मेरी माँ। क्या बोलो? धन। इसलिए आपको अपना धन कृष्ण को मानना चाहिए, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को अपना धन मानना चाहिए। हमारा धन हमारे संस्कार है, हमारा धन हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति, हमारी भगवद गीता हमारा धन है, हमारी भागवत, हमारी रामायण रामचरितमानस हमारा धन है, हमारे वेद पुराण हमारा धन है, हमारी माँ हमारे पिता हमारा धन है, हमारे द्वारा हम जो सेवा करते हैं वह सेवा का भाव मेरे अंदर जो है वह भाव ही मेरा धन है। वो भाव चला जाएगा मैं नालायक हो जाऊंगा। अच्छे विचार, पॉजिटिविटी। तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए, अपनी संस्कृति का पालन कीजिए।